ना मैं अब्बल ना आखिर, मैं नहीं बीच में, बनिया बनाया आप ही, सो सब तुम्ही से, सो सब तुम्ही से, मैं तो तुम्हारी कियल। प्राणेश्वर अक्षरातीत ने हमें खिलवत की वाणी दी है। खिलवत का एक सामान्य अर्थ समझ लीजिए, शाब्दिक अर्थ होता है अंतपुर, जहाँ महाराज और उनकी महारानी के सिवा कोई दूसरा नहीं रहता हो इस संसार में, उसको अंतपुर कहते हैं। खिलवत अरबी का शब्द है। परमधाम की खिलवत क्या है? जहाँ हम हैं और हमारा प्राणेश्वर बसता है। इस संसार में भी आप देखिए, जब दो घनिष्ठ मित्र बातें कर रहे हों, दो पति पत्नी बातें कर रहे हों, तो उनको पसंद नहीं आता कि उनके बीच में किसी तीसरे की आहट भी महसूस हो। कोई नौकर आ जाए, कोई पशु पक्षी आ जाए, कोई अन्य संबंधी आ जाए, तो उनको अच्छा नहीं लगता। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि हमें अच्छा लगता है। हमने अपने और धनी के बीच में न जाने कितनी चीज़ें खड़ी कर रखी है। ये जो प्रकरण है, मैं को कैसे छोड़ना है, मैं भी मैं मरे नहीं, मैं को मरना है। महामती जी की आत्मा कह रही है कि मेरे प्राणेश्वर, न तो मैं कभी थी अनादिकाल से, न बीच में थी, न अब हूँ। कहने का से क्या है, जब से राज्य हैं तब से ब्रह्मात्माएं हैं, सखियां हैं और श्यामाजी हैं, और तभी से परमधाम है। जब से सूर्य है तभी से उसका प्रकाश है। आप सोचेंगे कि पहले प्रकाश हुआ कि सूर्य हुआ, तो ऐसा नहीं है। जब से राज्य हैं तभी से आप भी हैं, लेकिन ये संसार तब से नहीं है, संसार का प्रवाह चल रहा है। इसके बीच में न जाने अब तक अनंत बार सृष्टि बन चुकी है और अनंत बार लय को प्राप्त हो चुकी है। ये नहीं है, लेकिन इसको हमने है कर रखा है। खिलवत के विषय में हमें संशय होता है, क्या इस संसार में हम खिलवत का आनंद ले सकते हैं? सब कुछ ले सकते हैं, किंतु किस रूप में? सूरज न उगे इधर तो कोई समस्या नहीं होती है। आप सरसवा जाएंगे तो जाड़े में एक एक महीने तक सूरज का दिखना बंद होता है, तो सब लोग तरसते हैं कि आज सूरज उग जाता, थोड़ा कपड़े सुखा लेते, उसमें सूरज बहुत अच्छा लगता है। सूरज के उगने से, सूर्य की धूप से ठंडे भागों के लोग आनंद प्राप्त करते हैं, किंतु सूरज यदि उतर करके साक्षात उनके पास आ जाए एक फुट की दूरी पर, तो क्या वो बचेंगे? किंतु उनकी आत्मा को, उनकी चेतना को सूर्य जला नहीं सकता, उनकी आत्मा सूर्य के अंदर भी रह सकती है। उसी तरह से परमधाम की जो खिलवत है वो वहदत में है। अनंत सूर्यों का वहाँ प्रकाश है। हमारी परात हर पल प्राणेश्वर के सम्मुख रहती है, और तो और उन्हीं की अंगरूपा है। मार्फत के दृष्टि से उसके और धनी के बीच में कोई पर्दा है ही नहीं, वो दो है ही नहीं, एक ही सूर्य असंख्य किरणों के रूप में दिख रहा है। और सबसे बड़ी सार की बात तो यह है कि सभी किरणें सूर्य के समान हैं। इस संसार में सूर्य और उसकी किरणों में बहुत अंतर है। सूर्य में अनंत तेज है और किरणें तो उसका अंश मात्र है, किंतु परम धाम में सूर्य और किरण का, सागर का और लहर का भी दृष्टांत नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हर लहर सागर को समेटे हुए है, हर किरण अपने अंदर सूर्य को समेटे हुए है। आप भी सोचेंगे कैसी अजीब सी बात है, मैं इस संसार में भी उसकी झलक दिखा सकता हूँ। आप सवेरे सवेरे ऐसे समय टहलिए जब ओस की बूंदें गिरी, और उसमें देखिए हर बूंद में आपको सूरज दिखाई देगा। पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य घास की छोटी छोटी बूंदों के अंदर बैठा हुआ दिखाई देता है। उसी तरह से परम धाम के हर कणकण में ये युगल स्वरूप बसते हैं, हर ब्रह्मात्मा के हृदय में युगल स्वरूप बसते हैं। इस संसार में भी यदि हमने वो अवस्था प्राप्त कर ली, अभी आपने कीर्तन सुना श्रृंगार का चौथा प्रकरण, हक सूरत दिल में चुभे तब रूह जागे अंग देखो सूर्य। हम
इन नेत्रों से जगे हुए अपने को मान रहे हैं, किंतु आत्मिक नेत्रों से तो हम सो रहे हैं। हम झूठे नेत्रों से झूठे संसार को देख रहे हैं, ना हमें परम धाम दिख रहा है, ना हमें अपनी परात्म दिख रही है, ना हमें अपनी आत्मा दिख रही है। हमें क्या दिखाई दे रहा है? जो है ही नहीं उसको हम देख रहे हैं। मैं आपको एक दृष्टांत से समझाता हूँ। ये जो जिस भवन में आप बैठे हैं, ये कक्ष है बहुत बड़ा, ऊपर और भी बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं। इनकी कीमत मान लीजिए 1 करोड़ हो, और आपको 100 छोटे छोटे हीरे के टुकड़े ऐसे दिया जाए जिसमें प्रत्येक हीरे का दाम 1 करोड़ हो, आप क्या लेना चाहेंगे? ये भवन लेना 1 करोड़ का चाहेंगे या 100 हीरे के टुकड़े लेना चाहेंगे? हर समझदार व्यक्ति हीरे के टुकड़ों को लेना चाहेगा, भले ही वो छोटा। हमारी जो चेतना है, जानते हैं कितनी सूक्ष्म है। हमने जो मिट्टी का पुतला धारण किया है, ये 6 फीट लंबा है। यदि हमारा जीव हाथी की योनि में प्रवेश कर जाता है तो उसका अहं खड़ा होता है, मैं हाथी हूँ, लगता है कि सारी पृथ्वी को पैरों से दबा देगा। शेर की योनि में वही जीव चला जाता है तो गरजता है जैसे जंगल का राजा उसको बना दिया गया है, वो अपनी शक्ति पर इतराता है, किंतु वो अपने स्वरूप को नहीं जानता। मान लीजिए सिंह का जीव मनुष्य की योनि में आ गया, उत्तर उत्तर प्रगत करते हुए योगी की योनि में जन्म ले लिया, समाधि अवस्था में देखता है कि मैं कौन हूँ। पहले वे अपने मन को देखेगा, बुद्धि को देखेगा, चित्त को देखेगा, अपने सूक्ष्म शरीर को देखेगा तो 16 सूर्यों के प्रकाश के बराबर प्रकाश दिखाई देगा उसमें, किंतु किसी सूक्ष्मदर्शी में इतनी शक्ति नहीं है कि उसके जीव का चित्र ले सके। हो सकता है मनुष्य इतनी प्रगति कर जाए कि हिंग्स बोसोन का भी चित्र ले ले, लेकिन जीव का चित्र लेने की सामर्थ्य उसमें भी नहीं है, मन का चित्र लेने की सामर्थ्य उसमें भी नहीं है। वो तो ईश्वरीय प्रकाश के अंदर समाधि अवस्था में देखा जाता है कि मन का रूप क्या है, जीव का रूप क्या है। इसको एक और दृष्टांत से समझाऊं, आप क्या हैं इसको जानने के लिए आप ऐसे ज्ञान में जो कि असंभव है। यदि आप प्रकाश का एक यान बनाए जिसकी गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो, आपका यान 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर यदि गति करता है और उससे आप पृथ्वी लोक से यात्रा करना प्रारंभ करेंगे, तो आप जानते हैं इस आकाशगंगा को पार करने में कितने साल लग जाएंगे? इस आकाशगंगा जैसी न जाने कितनी आकाशगंगाएं हैं। आप सूर्यमंडल को पार करेंगे, सौर मंडल को पार करने में टाइम काफ़ी लग जाएगा। बृहस्पति ग्रह आपसे बहुत दूर है, सूर्य से भी अधिक दूरी पर। हमारे सौर मंडल जैसे न जाने कितने सौर मंडल इस सृष्टि के अंदर हैं। हमारी आकाशगंगा जैसी करोड़ों आकाशगंगाएं घूम रही हैं, इस सृष्टि का और छोर नहीं है। आज तक ऐसे ऐसे नक्षत्र हैं जिनका प्रकाश आज तक पहुंचा ही नहीं है। आप सोचिए इस सृष्टि को बने हुए 13.6 अरब वर्ष हो गए हैं, किंतु सृष्टि के एक नक्षत्र का प्रकाश सृष्टि के एक कोने से दूसरे कोने तक यानी पृथ्वी तक भी नहीं आ पाया है। मनुष्य की बुद्धि क्या है? और यह सारी सृष्टि वैसे है, शून्य थे जैसे जल बतासा, शून्य शून्य माज समाई, शून्य में समा जाएगी, कुछ नहीं है सृष्टि, कुछ नहीं था पहले। इस सृष्टि के बनने से पहले कुछ नहीं था, न आकाश था, न वायु थी, न अग्नि था, न जल था, न पृथ्वी थी, न परमाणु, कुछ थे ही नहीं। और ये सब कुछ दिख रहा है, इसी को तो माया का भ्रम कहते हैं वेदांत की भाषा में। आपने ये जो शरीर भी पाया है, ये शरीर भी ऐसे ही एक भ्रम पैदा करता है कि आप ये शरीर हैं। आपने शरीर से परे होकर के कभी अपने को देखा है? आपके जीव का आकार अभी मैंने बताया कि बाल के नोक के 10,000 टुकड़े किए जाए, वो तो एक अनुमान है, उससे भी सूक्ष्म है, हिंग्स बोसोन से भी सूक्ष्म, आकाश से भी सूक्ष्म, मनुष्य की बुद्धि कहाँ तक जा सकती है? कारण प्रकृति से भी जो सूक्ष्म जीव है वो सब कुछ कर रहा है, वो आंखों से दिखाई नहीं देता। हमने संसार में क्या पाया है? आप मान लीजिए आपने 50 करोड़ की एक कोठी खरीद ली, तो कोई गरीब व्यक्ति आपके पास आता है
जो झोपड़पट्टी में रहता हो उसको किस दृष्टि से देखेंगे? अरे ये तो बहुत छोटा आदमी है, मैं 50 करोड़ की कोठी वाला। आप बहुत बड़े पद पर बैठे हैं तो आपको किसका अहंकार है? पद का। आपको रूप के अहंकार ने ग्रसित कर लिया, पद के अहंकार ने ग्रसित कर लिया, प्रतिष्ठा के अहंकार ने ग्रसित कर लिया, तो जिसमें आप बंधे हैं वो तो कुछ है ही नहीं। संसार में एक से एक बढ़कर रूपवान है, एक से एक बढ़कर धनवान है, एक से एक बढ़कर के बड़े पद वाले हैं, लेकिन हमने जो नहीं था उसको गले से चिपका लिया, जो नहीं है उसको लगता है कि है, और जो है उसको कहता है कि नहीं है। जैसे महामती जी की आत्मा कह रही है कि न तो मैं पहले थी, न अब हूं और न भविष्य में होंगी। जब से आप हैं तब से मैं थी ही नहीं। ये किस दृष्टि से? मार्फत के दृष्टि से। पहली चौपाई क्या कह रही है? मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं को मरना मैं। किंतु मैं के बिना, आपकी मैं के बिना ये मैं नहीं मरती। कौन सी मैं? जीव की मैं, जो हम लोग लेकर के ढोते हैं। अभी मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया कि आप 50 करोड़ की कोठी वाले हैं, आपके पास 10-15 हज़ार की एक झोपड़ी बनाकर रहने वाला सुंदर साथ आपके पास बैठना चाहे तो मुझे नहीं लगता कि कोई खुशी दिल से बैठाना चाहेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि झोपड़ी वाला छोटा आदमी मैं करोड़पति मेरे साथ बराबरी कैसे कर सकता है। आपने किसको देखा? अपने धन को देखा, अपने पद को देखा। एक खूबसूरत व्यक्ति काले कलूटी को अपने पास क्यों बैठाना चाहेगा? क्योंकि उसको अपने शरीर का रूप दिखता है। देखिए ये सूरज भी ढल जाएगा, ये चांद भी नहीं रहेगा, धरती भी नहीं रहेगी, सारी सिर समाप्त हो जाएगी काल के काल में। वो कौन है जो पल पल हमारे साथ है? हम कौन है? क्या हमने कभी जाना है? अभी सबसे बड़ी हंसी की बात क्या हो रही है? हम चाहते हैं हमारे और राज्य के बीच में कोई ना आए, लेकिन हम राज्य को नहीं पकड़ रहे हैं। जिसने हमारे और राज्य के बीच में दूरी बनाई है उसी को गले लिपट करके बैठे हैं, उसको हम छोड़ना नहीं चाहते। राज्य को हम क्या समझते हैं? सब जानते हैं। आप अपने घर का शौचालय, जितने में शौचालय बनाने में जितना खर्च करते हैं उससे भी कम खर्च में आप अपने घर में छोटा सा मंदिर बनाते हैं। ये सच, कड़वी सच है, कड़वा सच है। सब जानते हैं आप अपने घर का बाथरूम बनाएंगे ना तो अच्छी से अच्छी टाइल लगाएंगे, और राज्य की वाणी को कहाँ रखेंगे? एक छोटी सी अलमारी के कोने में कह देंगे कि जगह नहीं है, क्या करें, मेज पर रख देंगे। क्योंकि राज्य तो अरे गहरे होते हैं, आप भोग भी लगाएंगे तो सोचेंगे कि राज्य को कुछ दे रहे हैं। अपने बेटे के विवाह में 2 करोड़ खर्च कर देंगे, लेकिन 2000 कहीं राज्य के नाम पर देना हो तो सोचते हैं, क्या समझ कर देते हैं, चलो दे देते हैं राज्य को, जैसे राज्य को भीख दी जा रही हो। जो आपका नहीं है उसको तो आपने सीने से लगा रखा है। जो आपका अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा। जो भाई क्या है? मैं तो तुम्हारी कियल, मैं केवल आपकी हूँ। क्या हमारे मन में भाव आता है कि मैं केवल आपकी हूँ? इस संसार में हमें जो कुछ मिला है, जैसे आप देखिए, मूल स्वरूप ने श्री महाराज को अपना स्वरूप बना दिया। नाम श्रृंगार शोभा सारी मैं भेक तुम्हारो लियो। वही बिहारी जी की आत्मा है रतन भाई की, माया के प्रभाव से उसमें दोष है। वह महाराज से वैर रखती है आत्मा, वो जीव रखता है, आत्मा कभी वैर नहीं रखती, ये ध्यान रखिए। महामती जी की अंतर्दृष्टि खुली है, उस तन में पांचों शक्तियों के साथ अक्षरातीत विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। रतन भाई की आत्मा निद्रा में सोई है, और जिस जीव को पकड़ रखा है वो जीव कठोर हृदय वाला है, क्रूरता है उसमें। वो चाहता है कि किसी भी तरह खंबालिया के राजा से मरवा दूँ, या चुगली करके कहीं ना कहीं कैद करा दूँ, फांसी पर चढ़ा दूँ, कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये महाराज नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब तक रहेगा
मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। परम धाम की आत्मा यहाँ क्या खोजने लगी है? प्रतिष्ठा। श्री जी ने क्या कहा है? मार प्रतिष्ठा पैजारो जो दगा देत बिच ध्यान। सुंदर साथ में भी झगड़े क्यों होते हैं? प्रतिष्ठा के लिए। यदि कोई व्यक्ति यह सुनता है कि मेरे बारे में समाज में ये बदनामी फैल रही है तो आक्रोशित हो जाता है, लेकिन देखता है कि सारे समाज में बदनामी हो गई है तो क्या सोचता है? किसी तो मैं मर जाता। यदि वो प्रतिष्ठित हो गया, सब लोग बहुत अच्छा कहने लगते हैं, जय जयकार होने लगती है, तो खुशी के अहंकार में भी पागल हो जाता है कि आपको पता है सारे देश में मेरा यश फैला हुआ है, सब लोग मुझे अच्छा कहते हैं। ये सारी चीज़ें बंधन का कारण है। मिराज को राज्य कब मिले, कभी आपने सोचा है? जब अंतस्करण टूट जाता है, जाको टूटा हुए अंतस्करण, दिल टूटे बिना आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। हंसी हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोए। जब तक मिराज को अहंग रहेगा कि मैं केशव ठाकुर का बेटा हूँ, एक दीवान का बेटा हूँ, मेरी इतनी प्रतिष्ठा है, राज्य क्यों मिलेंगे? जब मिराज को लगता है कि मेरे ऊपर आरोप है कि मैंने राजा का धन ले लिया है, पहले भी बहुत तीर झेले थे, सतगुरु धन से देवचंद जी की दृष्टि में उन्हें लगा कि मैं गिर गया हूँ, जब सतगुरु महाराज ने चादर ओढ़ ली थी, लेकिन ये घटनाएं अनायास नहीं हुई, जानबूझकर मूल सर्प ने पैदा की। तो आप सोचिए कि क्या राज्य दुख देते हैं? ऐसा नहीं है। राज्य की सबसे बड़ी कृपा यह होती है कि आपका अहम कैसे दूर करना है। यदि आपको ज्ञान का अहम है तो वो दूर किया जाएगा, यदि आपको पद प्रतिष्ठा का अहम है तो वो दूर किया जाएगा। जो साहेब संकुल हो तो दुख हुए तिन, इस दुनिया में चाह कर दुख न लिया के। हमारे हृदय में राज्य के लिए विश्वास नहीं है। मैं कहता हूँ तो आपको अटपटी लगी होगी। दासवाणी में एक कथन आता है, मैं अधीन करनी नहीं बांग रहे की लाज। तीन चरण है, मैं अधीन, मैं आपके अधीन हूँ, जो आप करो मुझे कोई फरमाइश नहीं करनी है। करनी नहीं, मेरी कोई करनी, मेरा कोई आचरण अच्छा नहीं है, मेरे अंदर बहुत सी कमियाँ हैं, किंतु आपने जो मेरा हाथ पकड़ा है उसकी लाज रखना, ये बहुत ऊँची बात है। यदि हमें संसार बुरा कहता है तो हम तो सफाई देना शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं हमारा अहम तो टकरा रहा है। आप जिस सर्वशक्तिमान पर समर्पित हुए हैं वो समझिए कि कोई इंसान नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है, सकल गुण निधान है, अनंत ब्रह्मांडों को एक पल में अपने सत्संग के द्वारा बनाने वाला है। और आप कौन है? मैंने अभी एक छोटा सा दृष्टांत दिया था, जब आप शरीर की दृष्टि से देखेंगे अपने को तो आप क्या दिखता है आपका स्वरूप, कि आप 6 फीट लंबे हैं, चौड़े हैं, गोरे हैं, सब कुछ है। आप इससे परे होकर के कभी अपने को देखने का प्रयास करते हैं, आप अपने इस स्थूल शरीर जो मांसपिंड है इसमें रक्त बह रहा है और तो और मल मूत्र भी बह रहा है, हड्डियों का ढांचा है, आप तो ये नहीं थे जन्म से पहले, आप ये नहीं थे, हड्डियों का ढांचा तो था ही नहीं, माता के गर्भ में आपके जीव ने प्रवेश किया, 9 मास में मांसपिंड बढ़ा, आपके जीव ने 9 मास के पश्चात माता के गर्भ से जन्म लिया, लोग खुशी मनाने लगे और जीव अपने को देखकर कहता है कि ये तो मैं यही हूँ, वो भूल गया अपने स्वरूप को, उसके तन में बैठी हुई ब्रह्मात्मा भूल गई है अपने मूल तन को, कि मैं परम धाम में साक्षात वही हूँ जो वह है। देखिए दो चीजें, चौपाई में कहा गया कि न मैं ना थी, न मैं अव्वल न बीच में, न तो मैं पहले थी न बीच में, ब्रजराज में भी मैं नहीं थी, अनादिकाल से परम धाम में भी मैं नहीं थी, ब्रजराज में नहीं थी और अब भी नहीं हूँ, भविष्य में भी नहीं रहूँगी। लेकिन एक तरफ कहा जा रहा है कि मैं हूँ भी, कौन है? यदि आप हकीकत की दृष्टि से देखेंगे तो हमें क्या लगता है? हम परम धाम की ब्रह्मात्मा हैं।
माया की दृष्टि से देखते हैं तो आप अपने को क्या समझते हैं कि मैं विद्वान हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं धनवान हूँ और मैं बहुत श्रेष्ठ आचरण वाला हूँ। यदि आपको किसी ने कह दिया कि तुम्हें कुछ नहीं आता, आपको कितना बुरा लगेगा। आपको भरी सभा के बीच में कह दिया जाए तू तो बहुत कंगाल है, तो भी आपको बुरा लगेगा। यदि किसी ने कह दिया पीठ पीछे कि तुम्हारा तो आचरण बहुत खराब है, आप गुस्से में लाल हो जाएंगे, आपका बस चले तो उसको सिर फोड़ दें। आप धैर्य तो बनाए रखिए कि आप कौन हैं। आपने तो अपने को जाना ही नहीं कि आप कौन हैं। सूर्य पर बादल आते रहते हैं, ढकते रहते हैं, चलते जाते हैं, बादल उड़ते जाते हैं। सूर्य तो जैसा था आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। बादल तो उसके प्रकाश से जल, उसकी तेजस्विता से जल बादल बनते हैं और थोड़े समय के लिए ढक देते हैं। ये माया कुछ नहीं है। इस माया के संसार में आपको कुछ कहा जा रहा है, आपको उपाधियां दी जा रही है, अच्छाई मिल रही है या बुराई, दोनों में आप समत्व भाव रखिए। योगेश्वर श्री कृष्ण ने क्या कहा है, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ लाभ जय जय जाओ तस्मात उत्तिष्ठ कौनते न यो पापम पापम आपसे। सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, मान हो, अपमान हो, समय समत्व भावना कब होगी, जब हमारी आत्मदृष्टि खुल जाएगी, जब हम अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएंगे। ये तो संसार के जीवों का ज्ञान कहता है, इतनी ऊंची बात। हम तो परम धाम का ज्ञान लेकर बैठे हैं। मैं बिन मैं मरे नहीं, पर आत्म की मैं जब आती है, आत्मा की मैं, तो संसार की मैं हट जाएगी। आप संसार के सबसे बड़े कलाकार बन जाएंगे तो भी आपको अहंकार नहीं होगा। एक बार उस संगीतकार का नाम याद नहीं है, उसने कहा कि आप तो इस समय संसार के सबसे बड़े संगीतकार हैं, तो जानते हैं उसने क्या कहा था, मैं तो संगीत के समुद्र में एक कटोरा भी जल भरने की सामर्थ्य नहीं रखता। ये महानता होती है। न्यूटन ने भी ऐसे ही कहा था कि आप तो सबसे बड़े विद्वान हैं। जो वास्तव में विद्वान होता है उसको अपनी विद्वता का अहम नहीं होता, क्योंकि उसने ज्ञान के सागर को दूर से देखा होता है, आभास किया होता है। तैसा इत होता गया जैसा हजूर हुक्म करत। इस संसार में हमारे इन तनों से जो कुछ हो रहा है, समझिए कि इसमें मूल स्वरूप की कृपा है। और सबसे बड़ी बाजी जानते हैं कौन जीतता है। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ, सच्ची बात। इस विषय पर पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ कि राज्य की सबसे बड़ी कृपा क्या है। इन महिमे डुबिया सब कोई, याको पार न पावे को, याको पार सो पावे जाको मुतलक बख्शीस हो। सबसे बड़ी कृपा, आपके सामने राज्य भी आ जाए तो क्या मांगेंगे आप, सारी पृथ्वी का राज मांग सकते हैं। सुंदर साहब तो मांगेंगे कि हमको विधायक ही बना दीजिए, मुख्यमंत्री बना दीजिए, और क्या बनाना चाहेंगे। प्राइम मिनिस्टर से बड़ा पद तो इस देश में कुछ दिखता नहीं। पृथ्वी जैसी असंख्यों पृथ्वियां हैं। अभी मैंने बताया कि आप एक ऐसे यान पर सवार हो जाइए जो प्रकाश के वेग से चलता हो, 3,00,000 किलोमीटर एक सेकेंड में चला जाता हो, उससे भी बैठ करके यदि आप चलेंगे तो 13.6 अरब वर्ष चलने के बाद भी आप इस सृष्टि का ओर छोर माप नहीं सकते हैं। और जितनी सृष्टि है अभी तक मालूम हुई है वो डार्क मैटर से, अंधेरे से बनी है। और जानते हैं वो केवल 12% है, 88% के बारे में तो दुनिया जानती ही नहीं। इसका स्वामी कौन है, नारायण। नारायण क्या है, अक्षर के सपने का मन। आप कौन है, क्या आप नारायण के धाम में जाना चाहते हैं। कोई सुंदर साथ में से कोई हाथ उठाएगा। अव्याकृत के सपने का रूप है नारायण, आप अव्याकृत में भी नहीं जाना चाहेंगे, उसमें 6वीं 7वीं 8वीं वैसे तीनों मिल जाएंगे। सबलिक भी आपको पसंद नहीं, केवल भी पसंद नहीं, सीधे परम धाम जाना चाहते हैं। लेकिन क्या लेकर के बैठे हैं आप इस संसार में। कोई करोड़पति बन गया तो उसको अपने धन का हम, कोई विद्वान बन गया उसको अपनी विद्वता का हम,
कोई संगीतकार बन गया तो उसको भी भाव, कहने का से क्या है। आपने अपने को तोला है कि आप कौन है। जैसे मैंने आपको हीरे का एक छोटा सा दृष्टांत दिया था, हीरे का एक टुकड़ा कई करोड़ में बिक सकता है, लेकिन इतना बड़ा भवन जिसमें न जाने कितने टन ईंट लगी है, सीमेंट लगा है, जो समझदार होगा किसको चुनेगा? वो हीरे के टुकड़े को चुनेगा, वो ईंटों के भवन को नहीं चुनेगा, क्योंकि कितना ढोकर ले जाएगा। हमारी अंतर्दृष्टि खुली नहीं है, इसलिए हम सारे संसार का बोझ ढोते ढोते अपनी उम्र गंवा देते हैं। मेरी मेरी करत दुनी जाते, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पांव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को न देवे। देखिए, सब सुंदर साथ जानते हैं, उनके घर जब शादी विवाह पड़ते हैं, पानी की तरह हर कोई पैसा बहाता है, करोड़ों करोड़ों रुपए आप शादी में खर्च कर देते हैं। यदि राज्य के नाम पर भी देना हो तो एक भीख समझ करके देते हैं। आज सवेरे भूमि पूजन हुआ, धर्मगुरु जी ने भी बहुत ऊंची बात कही, स्वामीनारायण वाले तो 10% देते हैं, मैं तो सोचता हूँ प्रणामी समाज तो 2% भी दे तो भी बहुत हो जाएगा, किंतु 2% भी नहीं मिलता है राज्य के नाम पर। आप सोचिए, आपका क्या है? शरीर आपका नहीं, घर आपका नहीं, आप कब जन्मे थे आपको खुद पता नहीं, जन्म से पहले आप कहाँ थे आपको कुछ पता नहीं, जिनको आप अपना बनाए बैठे हैं वो शरीर छोड़ेंगे, वो कहाँ जाएंगे वो कुछ पता नहीं, जो नहीं थे उनको आपने समेट लिया। राज्य को किस दृष्टि से देख रहे हैं? परायपन से, एक भीख समझ करके देते हैं। तो दूरी कौन बढ़ा रहा है? हम, हमारे लिए प्रतिष्ठा प्यारी है, पद प्यारा है, ये शरीर का मोह प्यारा है, शरीर के बंधन प्यारे हैं, तो हमारा हृदय कैसे खिलवत का रस ले पाएगा? जो हमारा प्राणेश्वर है, जो कहता है मुख कुरमाने मन के सो मैं तुम्हारे न सों, उसको तो हमने पराया बनाए रखा है। जो कहता है कि मेरी तरफ तुम चलोगे तो मैं दौड़ कर तुम्हारे पास आऊँगा, मुझको एक बार पुकारो मैं 10 बार जीजी करूँगा, उसको हम क्या समझते हैं? एक परिवार का सबसे, जैसे परिवार में सभी प्रिय हैं, पत्नी प्रिय है, पति प्रिय है, बच्चे प्रिय हैं, संगे संबंधी प्रिय हैं, दादा दादी प्रिय हैं, राज्य को औपचारिकता के रूप में सबसे बाद में रखा जाता है। किस लिए? क्योंकि संसारिक सुख मिलता रहे इसलिए राज्य की भी सेवा पूजा होती है। राज्य से प्रेम के लिए बहुत कम कोई करता है प्रयास। खिलवत क्या है? जैसे खिलवत में प्रिया प्रीतम आशिक और मासूक दो होते हैं, और दोनों को स्वीकार नहीं कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा रहे, किंतु संसार में हम तीसरे को ही पसंद करते हैं, दूसरे को नहीं। और दूसरा कौन है? जो हम हैं। इस प्रकरण का मूल सार तत्व क्या है? जब यह कहा जाता है, देखिए दो बातें कही जा रही है। एक मिहराज का जी बोल रहा है कि जब तक मैं अपनी आत्मा की मैं ना ले लूं, आत्मा क्या है? परात्म के प्रतिबिंब, परात्म की मैं ना ले लूं, तब तक ये संसार की मैं कैसे जाएगी? जैसे आपने यदि परम धाम का भाव ले लिया तो परिवार के सभी सदस्यों से उसी भाव से मिलेंगे, आपको कोई काला गोरा नहीं दिखेगा, गरीब अमीर नहीं दिखेगा, आपको प्रतिष्ठा मिले या सम्मान मिले, पद मिले या न मिले, आपकी दृष्टि कहाँ रहेगी? मूल स्वरूप के पास। यदि आपने परात्म की भावना से देखा तो इस संसार की माया रूप जो भी प्रतिष्ठा है, जैसे मान लीजिए जब बाहर के नेत्र बंद हो जाएंगे, अंतक चक्षु खुलेंगे, तब ये जीव स्वयं को देखेगा, और जब हम चितवनी में डूबते हैं तब हमारी आत्मा अपनी परात्म को देखेगी, अपने प्राणेश्वर युगल स्वरूप को देखेगी और अपने निज स्वरूप को देखेगी। किंतु जब तक हमारी सुरता संसार में भटक रही है तब तक संसार ही तो प्रिय है। जैसे आपके सामने राष्ट्रपति की पत्नी आ जाए और आपसे कहने लगे कि मैं 4 विषयों से एमए हूँ, मेरे पास 2-2 लाख के 4 मोबाइल हैं, मेरे लिए 5 गाड़ियाँ हैं, आप क्या क्या करेंगे उनके साथ? आप मुंह फेर लेंगे या सुनते सुनते कहेंगे कि भाई सिर दर्द हो रहा है इनकी बातें सुनते सुनते?
किंतु वो इतना बता दे कि मैं राष्ट्रपति महोदय की अर्धांगिनी हूँ, अपना परिचय कुछ न दे, केवल इतना बता दे कि मैं केवल राष्ट्रपति की धर्मपत्नी हूँ, आप सभी लोग स्वागत करेंगे। उनकी महानता किसमें है? राष्ट्रपति की पत्नी होने में है। आपकी गरिमा किसमें है? यदि आपने पहचान लिया कि मैं तो तुम्हारी कियल, मैं केवल आपकी हूँ, यही आपकी सबसे बड़ी गरिमा है। आप सांसारिक उपाधियों से अपना परिचय क्यों देना चाहते हैं कि मैं इतना धनवान हूँ, इतना ज्ञानवान हूँ, इतनी मेरी प्रतिष्ठा है, यही तो सबसे बड़ी माया है। और सच बात यह है, चाहे हम खिलवत कितना भी पढ़ते हैं, सागर श्रृंगार कितना भी पढ़ते हैं, चितवनी भी लगाते हैं, किंतु सांसारिक उपलब्धियाँ ही हमारे और धनी के बीच में बाधक बनी रहती हैं। जब तक ये बाधा रहेगी, तब तक याद रखिए परमधाम कहाँ से आएगा। मैं अभी उस पर जाता हूँ। राजी देवचंद जी को मिले हैं 3 बार। एक बार बारात के पीछे पीछे जाते समय जब मिले थे तो देवचंद जी को कुछ पता नहीं था, पूरी निद्रा में मिले। दूसरी बार चितवनी में मिले और तीसरी बार साक्षात इन्हें नैने से देखा। उस तन में बैठ गए हैं, लीला भी करने लगे हैं। सब सुंदर साथ को उनके अंदर धनी का आवेश दिखता है और वो आवेश जब जाता है, कृष्ण का रूप धारण करके सबके साथ भोजन करता है। यमुना जी भी दिखा देता है, ब्रजराज की लीलाएं भी दिखा देता है। सब सुंदर साथ को विश्वास हो जाता है कि इस तन में अक्षरातीत है, फिर भी पूरी मेहर नहीं है, क्योंकि रू अल्लाह करी बंदगी यामी उनकी मैं। और देवचंद जी को कब मिले थे राजी? देवचंद जी का जन्म बहुत गरीब परिवार में हुआ था, तो धन का अहंग रह नहीं सकता। शरीर की कोई इतनी सुंदरता विशेष नहीं मिली थी कि देवचंद जी अपने शरीर पर इतराते। समाज में कोई पद नहीं मिला था जिस पर उनको इतराना पड़ता। राजी ने जानबूझकर ऐसे वातावरण में उस आत्मा माँ को भेजा, अपनी अर्धांगिनी श्यामा जी को भेजा कि संसार का मोह माया ज़्यादा प्रभावित न कर सके। मिहराज को इसके विपरीत स्थिति मिली। केशव राय दीवान के बेटे हैं, प्रतिष्ठित परिवार है, लेकिन उस जीव को भी तो उस मंजिल पर पहुंचाना है कि उस तन में अक्षरातीत बैठकर लीला कर सकें, इसलिए तरह तरह के आरोप लगते हैं। जब सब सुंदर साथ में ये बात फैल जाती है बाल भाई और बिहारी जी की कृपा से कि ये तो गांगजी भाई खेता भाई का धन ही मिहराज ने हड़प लिया है, और 4 वर्षों तक की जुदाईगी रहती है। 2 वर्ष नौतनपुरी में रहते हुए भी सतगुरु महाराज बुलाते नहीं। कला जी के यहाँ जाकर नौकरी भी 2 वर्ष करते हैं, बहुत मुश्किल से 4 वर्षों के पश्चात मिलन होता है। इसके पहले जब मिहराज आते हैं तो सतगुरु महाराज ने चादर ओढ़ ली होती है मुख पर। ऐसी परिस्थितियाँ क्यों पैदा की गई? वो पीड़ा थी मिहराज के अंदर। किस मिहराज को पद प्रतिष्ठा का सारा अहंकार चूर कर देना है? क्योंकि सर्प, देखिए सर्प जब तक पूंछ हिलाता रहता है तब तक उसके सिर पर डंडा मारते रहते हैं, व्यवहार में ऐसा ही दिखता है। राज्य तब मिलेंगे जो लोग आप अपने नाखियाँ आँख में चित्यारे तूने अवेशरम। अहंकार का पर्दा जब तक नहीं हटता तब तक राज्य के चरण कमल नहीं मिलते, तब तक आपको खिलवत का दीदार नहीं हो सकता। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप साधनाओं द्वारा काम क्रोध लोभ मोह सबको जीत सकते हैं, किंतु अहंकार को नहीं जीत सकते। आप सुखदेव जैसे ब्रह्मचारी हो सकते हैं, किंतु ब्रह्मचारी होने का अहंकार तो रहेगा। हिमालय की गुफा में बैठकर आप तप कर रहे हैं, आपको किसी ने कह दिया कि तुम तो बहुत खराब आदमी हो, आप तुरंत क्या झट से बोलेंगे? आपको पता है मैं हिमालय में इतने वर्षों तक साधना कर चुका हूँ, मेरे ऊपर उंगली उठाते हो? आपने किसी का 1 रुपया नहीं लिया, भूलवश किसी ने भूल से कह दिया कि तुमने इतना पैसा खाया, तो आप क्या करेंगे? डंडा उठा लेंगे। तुमने ऐसा कहा मैंने कभी चोरी नहीं किया। अपनी अच्छाई का अहंकार भी आपको घेरे रहता है। आप यह क्यों नहीं सोचते कि मैं कौन हूँ? मैं उस प्राणेश्वर अक्षरातीत की अर्धांगिनी हूँ हकीकत में, और मार्फत में मैं केवल तू हूँ। आप मेरे कहने का असर समझ गए? महामती जी क्या कह रही हैं?
कि मेरे आराध्य, मेरे सर्वेश्वर, मेरे प्राणेश्वर, मेरे प्राणघन, मेरे प्राण जीवन, मेरे प्राण वल्लभ, परात्म की मैं आए बिना तो इस संसार की मैं मेरी कभी मरेगी ही नहीं। किंतु मैं तो ये देखती हूँ मार्फत के जिससे कि मैं तो परात्म भी नहीं हूँ। यदि परात्म है तब तो मैं खड़ी हो जाती है, भले ही धनी की अर्धांगिनी की मैं है, किंतु अंदर से जब मैं देखती हूँ तो मैं पहले नहीं थी, बीच में भी नहीं थी, ब्रजराज में भी नहीं थी और जागनी ब्रह्मांड में भी नहीं हूँ। मैं तो वही हूँ जो वो है, तुम हो, ये पहचान है धनी की। लेकिन इसको ऐसे रूप में नहीं ले लेना चाहिए। एक महात्मा जी थे, उनको जब खाने की कुछ इच्छा होती थी, कभी हलवा खाने की इच्छा होती थी तो सुंदर साहब से कहते थे कि आज राज जी कह रहे हैं कि हलवा खाने की इच्छा है, तो आप भी मत कहना शुरू कर दे कि हम राजी हैं, जो आपका जीव इच्छा करे उसको राज्य पर थोप दीजिए। जो अक्षरातीत है उसको संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। आप राज्य को धन से मत तोलिए, संसारे संसार का धन भी लग जाए तो भी राज्य को रिझा नहीं सकता। राज्य को तो उनकी ब्रह्मात्मा का केवल दिल ही रिझा सकता है, और वो दिल कोई देना नहीं जानता। खिलवत में कब प्रवेश होगा? जब अपना दिल दे के आप उनको प्रेम करेंगे। आपने दिल दिया नहीं। हमारे समाज में केवल कर्मकांड ही तो होता है। 100 रुपये की मिठाई के पैकेट में हम करोड़ रुपया पा लेना चाहते हैं, कैसा व्यापार है। नारियल चढ़ाते हैं, क्या क्या चढ़ाते हैं, केवल व्यवसाय है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम का तात्पर्य क्या है? आप स्वयं को उनके ऊपर निछावर कर दीजिए कि मैं न तो पहले थी, न अब हूँ, न भविष्य में। इसलिए जब वाणी का उतरण होता है तो ये चौपाई उतरित होती है, साहेब के हुक्म में ये वाणी गावत है महामत। वाणी अवतरण हो रहा है राज्य के दिल की इच्छा से। राज्य के दिल की इच्छा है कि महिराज को महामती बनाओ, महामती को अक्षरातीत बनाओ। सब सुंदर साथ उस तन की आरती उतार रहे हैं, लेकिन महामती को पता है कि नहीं, यह शोभा तो मूल स्वरूप की है। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाए, जो कोई मारे इन दुश्मन को, करे सब दूनी को आसान, पहुँचावे सबो चरण धनी के, तो भी लेना न तीन कुमार। हमारे पास इतना ज्ञान का भंडार आ जाए कि संसार के सारे विद्वानों को हम एक घड़ी में परास्त कर दें, एक घंटे में परास्त करके सारे ब्रह्मांड को अकेले तारतम दे दें, फिर भी ये मत लीजिए कि मैंने किया है। यदि आप में अहंकार की ग्रंथि आ गई कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ कि मैं सारे ब्रह्मांड को तारतम दे सकता हूँ, तो सोचिए आप उसी दिन पतन की तरफ चल गए। ट्रांसफार्मर में बिजली कहाँ से आती है? पावर हाउस से। ट्रांसफार्मर सोचने लगे कि मैं नहीं रहूँ तो ये कमरे में बल्ब कहाँ से जलेंगे। ट्रांसफार्मर को सोचना पड़ेगा कि तू तो कुछ है ही नहीं, पावर हाउस से बिजली काट दी जाए तो ट्रांसफार्मर में भी कुछ नहीं रहेगा। चाहे मिहराज का तन हो, छत्रसाल जी का तन हो, लालदास जी का तन हो, या किसी भी ब्रह्मात्मा का तन हो तो वहीं से रहा है जो मूल स्वरूप दिल में लेते जाते हैं। इसलिए संसार आपको कितने भी प्रतिष्ठा दे, उस प्रतिष्ठा के अहंकार में मत खोइए। संसार का हर व्यक्ति आपका गुणगान गाने लगे तो उसमें भी मत खोइए, और यदि संसार का हर व्यक्ति पत्थर भी मारता है तो उससे भी दुखी भी मत होइए। यदि आप दुखी होते हैं तो इसका तात्पर्य है आपको राज्य पर अभी न विश्वास है, न समर्पण है, न प्रेम है, क्योंकि आपने अपना हाथ राज्य के हाथों में अभी सौंपा नहीं है। तभी तो आप दुखी हो रहे हैं, तभी तो आप उलाने दे रहे हैं। हमने अपने को खिलवत के योग्य अभी बनाया नहीं है। इसलिए मैं भी मैं मरे नहीं, मैं को मारना मैं। हम पाठ तो पढ़ते हैं, बहुत जल्दी जल्दी कह देते हैं, और इस चौपाई की चर्चा भी मैं समझता हूँ कई बार हो चुकी है, मैं भी मैं मरे नहीं। इसलिए मैंने बीच से चौपाई लिया कि न तो मैं पहले कभी थी, न अब हूँ, न भविष्य में रहूँगी। इस मैं को मिटा दीजिए। तभी तो कहा मैं तो तुम्हारी केवल, मैं केवल आपकी हूँ। हम सुंदर साथ वेद की बहुत हंसी उड़ाते हैं कि ये तो सपने का ज्ञान है, लेकिन जानते हैं वेद के एक मंत्र में क्या लिखा है? वयम तो तुम अस्माकम, हम तुम्हारे तुम हमारे। हम तो परम धाम के वहदत के रहने वाले हैं। हम तो राज्य से नहीं कहते कि राज्य आप मेरे और मेरी आत्मा केवल आपकी है।
आप अपना हृदय दे दीजिए, सब कुछ उनको सौंप दीजिए। देखिए, आप जिस दिन अपना हृदय उनको दे देंगे, एक क्षण की भी देरी नहीं लगेगी। जैसा बाहर होते हैं जो होए ऐसा दिल, तो अधकिन पीव न्यारा नहीं, माही रही हिल मिल, दूरी हम बढ़ाए हैं। हमारा प्राणेश्वर प्राण की नली से भी निकट रहता है, लेकिन वो दिखता क्यों नहीं? क्योंकि एक दीवार खड़ी की है हमने, इस मैं खुदी की, शरीर की मैं, संसार की मैं, और इस शरीर और संसार से की मैं से जुड़ी हुई न जाने कितनी मैं है, पद प्रतिष्ठा की, धन की मैं। आप सेवा भी कर रहे हैं तो यदि कोई बात हो गई तो आप कह देंगे हमें क्या लेना देना। आपको ज्ञान के क्षेत्र में कोई सेवा मिली, कहीं कष्ट मिल गया, कहे कि हमें ऐसी सेवा से मतलब नहीं है, हम देख लेंगे, हम इससे अच्छा तो हम घर पर ही थे। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ और सुंदर साथ आत्ममंथन करें कि वो कहाँ खड़े हैं। सुभाष चंद्र बोस देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। आज़ाद हिंद फौज के कुछ सैनिकों को हटसन नाम का एक अंग्रेज था जासूस, उसने धोखे से पकड़वा दिया। आज़ाद हिंद फौज के उन सैनिकों से केवल यह पूछा गया कि बता दो सुभाष चंद्र बोस कहाँ हैं, किसी ने भेद नहीं दिया। जानते हैं क्या सजा दी गई? पहले उनको शौचालय के गटर में डाल दिया गया, तब भी भेद नहीं बताया तो नाखून में आलपीन ठोक दी गई। ये समझते हैं ना कितनी पीड़ा होती है, जैसे क्रूस पर आपको कांटा चुभता है कितनी पीड़ा होती है। इसमें सभी नाखूनों में आलपीन ठोक दी गई तो भी नहीं बताया, अंत में उनके सीने में गोली मार दी गई तो भी नहीं बताया, मर गए बताए नहीं। आप सोचिए, आप राज्य के लिए कौन सा त्याग करते हैं? ये तो संसार के जीव हैं बेचारे, फौज के सिपाही हैं, अपने सुभाष चंद्र बोस के साथ धोखा करना उनको मंजूर नहीं है, न देश के साथ धोखा करना मंजूर है। उनको गटर में डाला जा रहा है, उंगलियों में नाखूनों में आलपीन ठोके जा रहे हैं, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। उनको सुभाष चंद्र बोस प्राणों से प्यारा है, भेद बता देते तो पैसा भी मिल जाता, जान दे देते हैं लेकिन भेद नहीं बताते। हम सुंदर साथ अपनी अंतरात्मा से पूछें, क्या राज्य सुभाष चंद्र के सैनिक जितना सुभाष चंद्र बोस से प्रेम करते थे, क्या हम उसका सौवा अंश भी राज्य से प्रेम करते हैं? यदि आप उन सैनिकों का दसवां अंश भी राज्य के लिए समर्पित कीजिए, मिशन के लिए समर्पित कीजिए कि हमें राज्य की ब्रह्मवाणी को फैलाना है, तो ये संसार क्या है? कुछ भी नहीं। इस संसार के मान, इस संसार के अपमान तो कुछ है ही नहीं। एक बार भगवान बुद्ध को बहुत विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। एक सुंदरी थी जो भगवान बुद्ध से सांसारिक संबंध चाहती थी, प्रेम करना चाहती थी। उसको उन्होंने कह दिया था कि देखो तुम्हारे मल मूत्र के शरीर को तो मैं पैर से भी छूना नहीं चाहूँगा। उसको उसकी क्रोधाग्नि बढ़ गई और उसने बदला लेने का निश्चय कर लिया कि बुद्ध ने मेरे शरीर को इतना घृणित समझ लिया, कह दिया कि मैं तुम्हें पैर से भी छूने की इच्छा नहीं करता। उसका विवाह कालांतर में राजा उदयन से हो जाता है। वो सोचती है कि मैं अब बदला लेने का समय आ गया, भगवान बुद्ध हैं तो क्या भिक्षुक ही तो हैं, मेरे नगर में आएंगे और उन पर पत्थरों की वर्षा कराएंगे। और वही हुआ, जिस घर में वो भिक्षा मांगने जाते हैं पत्थरों की वर्षा होती है, सारे भिक्षुक तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है, आनंद को सहन नहीं होता है। अनंत कहते हैं कि भगवान आप बुद्ध हैं तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि जो चाहे आपको पत्थर मारे, जो चाहे गाली दे? पहले भी आपने ऐसे ही किया कि वह जो वेश्या थी, झूठ मूठ का आप आरोप लगाई थी कि मेरे अंदर बुद्ध का गर्भ है, तो भी आपने कोई सफाई नहीं दी। तो ऐसे तो संसार आपको जीने नहीं देगा। बुद्ध हंसने लगते हैं, कहते हैं कि आनंद तुम क्यों चिंता करते हो, सत्य को कभी प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती है। सूरज उगता है तो क्या प्रवचन देते उगता है कि देखो मैं सूरज हूँ,
अंधेरा दूर करने के लिए उग रहा हूँ। सूरज उगता है, संसार देख लेता है, क्योंकि उसका प्रकाश फैलता है। इसलिए आपके जीवन का हर पल कीमती है, इसको अपने स्वरूप की पहचान में लगाइए। आपका प्राणेश्वर हर पल अपनी छत्रछाया में आपको रखता है। ये दो तन तले कदम के आत्म पर आत्म, वह हर पल आपको देख रहा है, आप उसको देख नहीं रहे। वो आपको अच्छी तरह से जानता है कि तुम दो हो ही नहीं, तुम मेरे ही स्वरूप हो, तुम रूहें मेरे तन हो। वो कहता है कि तुम मेरे तन हो, आप कहते हैं हम तुमसे अलग हैं। जैसे ये मेरा हाथ है, इस पर कोई व्यक्ति पत्थर मारेगा तो क्या कहा जाएगा? राजन स्वामी को किसी ने पत्थर मारा, ये नहीं कहा जाएगा कि हाथ को मारा। जो हाथ है वही मेरा हाथ है, तो मेरे नाम से जुड़ा है। आप राज्य के तन हैं, तो मार्फत की दृष्टि आप कौन है? कभी आपने सोचने का प्रयास किया है? इसलिए मैं इन सुख दुख से न डरूं, मेरे धनी चाहिए सम्मुख। आप सुख में पागल हो जाते हैं, दुख में भी पागल हो जाते हैं, दोनों चीजें आपको मोहित कर रही है। आप दृष्टा भाव से देखिए, शांत रहिए, समुद्र के किनारे खड़े हो जाइए, लहरें आएंगी, आपके पैरों को छू करके चली जाएंगी, आपको बहाने नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने दृढ़ता से पैर जमा रखे हैं। उसी तरह से आप अपनी नजर अपनी परात्म की तरफ कीजिए और मातपत के दृश्य देखिए। जो मेरा प्राणेश्वर सिंहासन पर बैठा है, मैं भी तो वही हूँ। मैं लीला रूप के लिए एक दूसरा स्वरूप धारण किए हुए हूँ। हाथ कहेगा, जैसे मैंने अभी आपको दृष्टांत दिया, जो राजन स्वामी है वही उसका हाथ भी है। हाँ, जो अंदर चेतन बैठा है, अभी आपने सुना था ना सवेरे श्रीवास्तव जी का प्रवचन, जो अंदर बैठा है वो मारिफत है, ये जो दिख रहा है वो हकीकत है। एक छोटे रूप में उन्होंने समझाया, आप भी सोचिए, ये जो कुछ दिख रहा है, सम्मान और अपमान, सुख और दुख, अपना और पराया, ये सब माया मोह अहंकार है। आपके और धनी के बीच में ये संसार कहाँ से खड़ा हो जाता है? यदि संसार का सबसे बड़ा पद मिल जाए तो समझिए ये भी माया है हमारे और धनी के बीच लिए। यदि सारा संसार आपको बुरा कहने लगे तो भी आप खुश होइए कि मेरे और धनी के बीच में जो कुछ पर्दा भी पड़ रहा था, अब वो भी हट रहा है। इससे श्रृंगार की एक चौपाई में बहुत ऊंची बात कही गई है। हक भी कहे दिल में, पर्दा भी कहे दिल, फरामोशी भी कहे दिल को, आया सौरे बेवरा निकल। फरामोशी भी कहे दिल, हमारा दिल फरामोशी को देख रहा है। हमारी आत्मा का दिल जीव के दिल पर बैठकर इस माया की फरामोशी को दृष्टा भाव से देख रहा है। जीव अंतःकरण पर, जीव अपने दिल में संसार की माया को समेटे हुए है। इसलिए हक भी कहे दिल में, यदि हमने पर्दा भी कहा दिल, इस अज्ञान के, तमस के, मोह के, माया के पर्दे को हमने हटा दिया, तो क्या होगा? इसी दिल में हमें प्राणेश्वर अक्षरातीत से मिलन हो जाएगा। हम और वो दो थे नहीं, लीला रूप में दो हो गए। सूर्य से उसकी किरण कभी अलग हुई नहीं, सागर से उसकी लहर अलग नहीं हुई, चंद्रमा ने अपने अपनी चांदनी को कभी अलग नहीं किया। एक हम बदनसीब हैं जो रोते फिरते हैं, क्योंकि हमने वहदत के मूल संबंध को नहीं जाना, वहदत की मार्फत को समझाने के लिए माया का खेल बनाया। लेकिन बार बार समझाने पर भी हम समझ नहीं पाते हैं। वाणी तो हम पढ़ते हैं, गाते भी हैं, व्याख्यान भी देते हैं, लेकिन न हम अपने को जानते हैं। दावा तो हमारा होता है कि हम राज्य को जानते हैं, सच है कि राज्य को तो कोई जान ही नहीं पा रहा। संसार वाले ऋषि मुनि थक गए, उनके पास तो ठीक है, कह देंगे स्वप्न का ज्ञान जान है। राज्य ने तो अपने हृदय को खोल कर वाणी में रख दिया है। तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप, मूल स्वरूप के चित्त की बातें। चित्त की बातें का तात्पर्य क्या है? अक्षरातीत के हृदय में जो कुछ है, प्रेम है, आनंद है, प्रेम की मारिफत, आनंद की मारिफत, निस्बत की मारिफत, वैदत की मारिफत, सब कुछ वाणी में दर्शा दिया गया है। अक्षरातीत ने ही अपने हृदय को वाणी के ज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया है। इसलिए हमें समझना होगा कि मैं तो तुम्हारी कियल, हमेशा एक चीज याद रखिए, छह चौपाइयों का तारतम नहीं आता है तो भी चल जाएगा। आप तारतम का रटन लगाते रहेंगे, कई बार मैं तारतम देता हूँ तो
एक चरण बोलना पड़ता है, दूसरे उससे लेने वाले से खाना पड़ता है। मुझे डर रहता है कि मैं कहीं तारतम भूल ना जाऊँ। तारतम भूल भी जाओगे तो चल जाएगा, लेकिन एक चीज़ याद रख लीजिए, मैं तो तुम्हारी कियल, इसको मत भूलिए, मैं केवल आपके हूँ। मैंने अपना हाथ आपको दिया है, अब इसको क्या होना है आप जानो। सीता ने कभी राम के सामने प्रश्न नहीं खड़ा किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम मुझे वन में ले जा रहे हैं, कैसे मकान में रखेंगे। राम चल रहे हैं, पैरों में कांटे चुभ रहे हैं, खून निकल रहा है, सीता के भी पैरों से खून निकल रहा है। सीता कभी उफ नहीं करती है, और आज हम सुंदर सा अपने को ब्रह्मात्मा कहते हैं, जरा सी बात होती है शोर मचा देते हैं, चिल्लाने लगते हैं, हमको ये हो गया ये हो गया। अरे आप देखिए, आप अपने प्राणेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं, जो खून बह रहा है मुस्कुराइए, यदि आपने मुस्कुरा दिया तो जीत लिया अपने प्राणेश्वर को। सीता 14 वर्ष वन में रहती है, वन के कंदमूल फल खाती है, कुछ उफ नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं। द्रौपदी भी द्रौपदी कह देती है, क्योंकि द्रौपदी में सीता जैसे समर्पण की भावना नहीं थी। लेकिन आप तो ये सोचिए, सीता तो क्या पौराणिक दृष्टि लक्ष्मी की अवतार है, और आप कौन है? साक्षात अक्षराती थी तो परात्म के रूपों में लीला करता है। यदि याद रखिए, आपके तनु से जो गुनाह होते हैं और आपका आचरण संसार के जीवों से भी नीचे गिरता है, तो हमेशा हमेशा के लिए दाग आप अक्षरातीत पर लगा रहे हैं। संसार के जीवों के लिए क्षमा शब्द है, लेकिन जिन्होंने राज्य के अमत नमतक की वाणी को पढ़ रहा है, चर्चाएं सुनी है, चितवनी की है, उनके लिए कोई क्षमा शब्द नहीं, क्योंकि उनको तो बता दिया गया है कि तुम अक्षरातीत के अंग हो। और ये सब कुछ जानते हुए भी हम बार बार भूले करते हैं ना, मैं तो तुम्हारी कियल को याद करते हैं न, क्यों रहे दीदार बिन प्राण को याद करते हैं। हमने तो मेहर सागर का रट्टा लगाना है, सातों परिक्रमा का रट्टा लगाना है, पता नहीं भोग बढ़िया से नहीं बोलेंगे तो राज्य रूट करके कुछ नुकसान न कर दें, हमारे बच्चों का कुछ अहित न हो जाए, इसलिए सारे टोटके हम अपनाते हैं, केवल एक टोटका नहीं अपनाते, स्वयं को समर्पित करने का। इसलिए खिलवत की वाणी बहुत कुछ कह जाती है। खिलवत को समझने के लिए हमें समझना होगा प्रेम क्या है। देखिए, परिक्रमा का रस लेना है तो पहले खिलवत में प्रवेश करना पड़ेगा, इसलिए खिलवत की एक सुगंध दी गई है, अपने अहं को छोड़िए तब सब कुछ मिलेगा। मैं तो आपा दे रही तुम मेरा क्या जी, बल दे आप खड़ी करी कुछ कार्य, स्वयं को मिटा दीजिए। स्वयं को मिटा देंगे तो वह बन जाएंगे जो खेल को दिखाने वाला है। भवन न बनिए, एक छोटे सा हीरे का कण बन जाइए। शरीर को मत देखिए कि इस शरीर को क्या हुआ है, आपको भूख का कष्ट सताता है, धूप शीत का कष्ट सताता है, आप समाज में तिरस्कृत होते हैं तो विचलित क्यों होते हैं? आप शरीर नहीं है, आप इंद्रिया नहीं है, अंतःकरण नहीं है, जीव नहीं है, आप तो परात्म के प्रतिबिंब स्वरूप आत्मा है, और परात्म आपके अक्षरातीत कथन है। उस नज़र से देखेंगे तो हर पल मुस्कराना सीखेंगे, उस नज़र से आप नहीं देखेंगे तो आप चिंता और तनाव में गुजरे रहते हैं, चाहे आप हो चाहे मैं, ये जीव का स्वभाव है, और यही स्वभाव हमें धनी के चरणों से दूर कर रहा है। इसलिए इस चीज़ को याद रखिए, हक भी कहे दिल में, पर्दा भी कहे दिल, फरामोशी भी कहे दिल में, आया सौरे बेवरा निकल। यदि हम ब्रह्मवाणी का चिंतन करते हैं तो जिस दिल में फरामोशी है उस दिल में हमारा युगल स्वरूप भी विराजमान होता है। हमारी आत्मा धनी से न कभी अलग थी, न है न कभी होगी, लेकिन जो ये पर्दा खड़ा हो गया है संसार का और शरीर का, संसार ही सिमट कर शरीर के रूप में दिख रहा है, शरीर का मोह संसार के प्रति मोह पैदा करता है। इस हड्डी और मांस के पुतले को राज्य को पाने में लगा दीजिए, आपकी परात्म का तन देखिए अक्षरातीत का साक्षात तन है, न वो मर सकता है, न भयभीत हो सकता है, न दुखी हो सकता है, न चरित्रहीन हो सकता है, न चरित्रवान हो सकता है, वो तो सबसे परे है, अच्छाई और बुराई से भी परे है, पाप और पुण्य से भी परे है, सुख और दुख से भी परे है, किंतु जब हमें वहाँ का बोध होगा तब तो। इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, आज तो अभी केवल मैं तो तुम्हारी कियल की चर्चा हुई, अभी कल का समय रहेगा,
मैं ऐसा करता हूँ कि कल संख्या ज़्यादा रहेगी, ये पहला अवसर है जो संख्या कुछ कम सी दिख रही है, कल रविवार को ज़्यादा संख्या आने की संभावना है और यूट्यूब के कारण भी सुंदर साथ सोचते हैं कि वहाँ जाकर क्या करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिए, धाम मेलो सदीवे दुर्लभ मेलो संसार। आप अपने संगे संबंधी रिश्तेदारों से कितना खुश रहते हैं, और आजकल तो सबसे बड़ा रिश्तेदार सबसे बड़ा दोस्त मोबाइल हो गया है। सब सोचते हैं कि उसी में सब कुछ देख लेंगे, परिवार में रहते हुए भी परिवार के लोग एक दूसरे से दूर होते हैं, ये दूरियाँ बढ़नी नहीं चाहिए। आप जितना सुंदर साथ से प्रेम करेंगे, राज्य का प्रेम उतना ही पाएंगे। अब चपाई दोहराइए, मैं आशा करता हूँ कि कल संख्या और बढ़ेगी और सुंदर साथ आज की खिलवत की चर्चा को अपने हृदय में उतारें, ताकि वे हर पल अपने प्राणेश्वर के सम्मुख ही अपने को पाएं। वे सुख और दुख से, मान और अपमान से कभी विचलित न हो कि संसार उनको क्या कह रहा है। संसार के कहने की चिंता न कीजिए, उन्हें अपनी दृष्टि केवल अर्जुन की दृष्टि जैसे मछली के नेत्र की तरफ थी, वैसे ही अपनी दृष्टि केवल युगल स्वरूप पर केंद्रित कीजिए। सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि जो हुआ है ठीक हुआ है, जो होगा ठीक होगा। मैं तो तुम्हारी कियल अबल सो सब मैं आग की झाल, सो सब मैं आग की झाल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, समस्त सुंदर साथ की। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।